हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने कुछ फ्रेंड्स आरती, सोमित, कृतिका की स्पेशल रिक्वेस्ट पर पंजाबी कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पंजाबी कढ़ी बनाना। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी दही लिया है, उसी हिसाब से दो बड़े चम्मच बेसन लिया है, एक बड़ा प्याज जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, एक बड़ा टमाटर, दो हरी मिर्चें, इसको मिक्सी में पीस लेना है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। मसालों में हम लेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हींग, अजवाइन। लास्ट में तड़का लगाने के लिए यहाँ पर मेथी दाना और सूखी लाल मिर्चें। पकोड़े बनाने के लिए ये बैटर मैंने पहले ही बनाकर रख दिया था। इसमें मैंने बेसन डाला है, एक छोटा प्याज फाइन चॉप करके, एक हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा नमक, और इसको मैंने 5 मिनट मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद 15 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि उसके बाद पकोड़े जो हैं वो टाइट नहीं बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। तो सबसे पहले पकोड़े बना लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें छोटे छोटे पकोड़े डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है हमने। बैटर को पहले से ही बना के रख देंगे तो पकोड़े जो हैं बहुत अच्छे बनेंगे, ऐसे ही फूले फूले जैसे ये बन रहे हैं। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे धीरे धीरे। अगर गैस तेज होगी तो पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा पलट लेते हैं ऐसे हल्के हाथों से, और इसको ऐसे बीच बीच में पलटते रहेंगे। पकोड़े जो हैं वो सारी तरफ से पक जाएंगे। पकोड़े बन गए हैं, इनको हम अब निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे पकोड़े भी बना लेंगे। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले दही और बेसन को मिक्स कर लेते हैं। दही को अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें दाने दाने नहीं होने चाहिए दही के, नहीं तो वो कढ़ी में दिखाई देंगे। तो इसे हम ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा पतला पहले ही कर लेंगे हम, क्योंकि अगर एकदम तड़के में हमने इसे डाल दिया तो इसमें दाने दाने से हो जाएंगे बहुत सारे और बेसन जो है जम जाएगा। तो इसे हम ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये बैटर रेडी हो गया, अब तड़का बना लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ एक छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाएगा इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें भूनना है और इसको ऐसे ही चलाते हुए पकाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो कहीं से प्याज जल जाएगा, कहीं से कच्चा रह जाएगा। तो ऐसे ही हिलाते हुए हम इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन का कलर का हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और हरी मिर्च जो हमने पीसा था मिक्सी में, पेस्ट को और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, मैं इसमें हाफ टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा कलर देने के लिए तीखा लाल मिर्च जो मैं हमेशा डालती हूँ, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन 1/4 और हींग 1/4, इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया अच्छे से, कलर भी आ गया। इसे 1-2 मिनट तक ही हम इसे फ्राई करेंगे सिर्फ, और अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाला अच्छे से मिक्स हो
हो गया है और कलर भी अच्छा आ गया है। अब इसमें डाल देंगे बेसन और दही और इसको साथ साथ ऐसे मिलाते रहेंगे और फटाफट से हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लें क्योंकि जब हम इसे गड़काएंगे तो कड़ी जो है वो कम हो जाएगी, तो पानी गड़काने के हिसाब से डालें। और कड़ी को तो आपको पता ही है जब तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे नहीं आधा घंटा या 20 मिनट तब तक फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो इसे हम उबाल आने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे गड़काएंगे। कड़ी में उबाल आ गया है, अब इसे हमें लो फ्लेम पर गड़काना है जब तक ये अच्छे से पकना चाहे। तो हम इसे लो फ्लेम कर रख देते हैं और बीच बीच में चेक करते रहना है कि वो नीचे ना चिपक जाए और उबल कर बाहर ना आ जाए। तो इसे केयरफुली पकाएं। 15 मिनट हो गए हैं और ये इसमें उबाल अच्छा खासा आ गया है, तो इसे 5 मिनट पहले ही पकौड़े इसमें डाल देंगे और इसे 5 मिनट में और पकाऊंगी। 5 मिनट हो गए हैं, पकौड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसके लिए हम तड़का तैयार करते हैं। कड़ी तैयार हो गई है, अब हम तड़का तैयार करते हैं। इसमें मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, इसे गर्म कर लेते हैं और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें ये जो सूखी मिर्ची ली थी मैंने ये डालेंगे और 1 चम्मच छोटा मेथी दाना डालेंगे। ये छोटा चम्मच मेथी दाना डाल दिया है और ये सूखी मिर्ची, इनको चम्मच से जब तक ये ब्लैक ना हो जाए तब तक ऐसे फ्राई कर लेंगे। और ये ब्लैक हो गई है और इसे हम तड़के में डाल देंगे। और साथ ही में एक ढक्कन तैयार रखना है आपने उस बर्तन का जिसमें आपने कड़ी बनाई है, क्योंकि इन मिर्चों का फ्लेवर खाने में तो बहुत अच्छा होता है लेकिन डालते समय तो आपको पता ही होगा। तो ये इसको मैंने डाल दिया है और इसको ढक दिया है। और इसमें हम लास्ट में डालेंगे गरम मसाला और धनिया। गैस बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है पंजाबी कड़ी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।